हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था रैंक थ्योरम्स क्या होती है। रैंक थ्योरम पढ़ा था हमने, रैंक नलिटी थ्योरम्स। इस वीडियो में देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम से पहले हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले बेसिक की जो टर्म्स हैं, बेसिस क्या होता है उसको हम रिकॉल करते हैं। रिकॉल दैट वेक्टर स्पेस बी द इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स v बराबर v1 v2 vn इन v सच दैट द सेट b, जो ये सेट b स्पेन ऑल ऑफ v, यानी कि जो इसके जो सेट हैं, यानी इसके जो वेक्टर्स वेक्टर्स हैं, v के वेक्टर्स हैं, वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हो। सेकंड है हमारे पास द सेट b इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और जो सेट जो b जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो हमारे पास कोई भी, तब उस कंडीशन में b जो होता है वो बेसिस कहलाता है वी का। ये हो गया हमारे पास। इफ बी इज द बेसिस फॉर बी, तो देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू, एक्स स्टार बिलोंग्स टू बी, कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी, यानी कोई हर कोई भी एक्स स्टार, यानी इसका कोई भी वेक्टर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मोर ओवर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस गिवन बाई डेफिनेशन 6.1, बेसिकली इंडिपेंडेंस क्या होता है हमारे पास, कोई अगर हमारे पास इस तरह x1 x2 .. xn वेक्टर्स हैं, तो c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस .. cn xn इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, c1 बराबर c2 बराबर cn बराबर 0। तो हमारे पास उस कंडीशन में x1 x2 जो है वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। एनी वेक्टर x बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ v कैन बी रिटन इन ओनली टू वे, ओनली वन वे, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 .. vn। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई भी वेक्टर जो होगा, एक्स जो होगा, वो ओनली एक तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि सपोज कि अगर दो तरह से लिखा जा सकता है, यानी एक्स को हम लिख सकते हैं कि c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस .. cn xn, और साथ में ही एक्स को लिख सकते हैं हम d1 x1 प्लस d2 x2 प्लस .. dn xn। तो उस कंडीशन में दोनों को माइनस करने पे हो जाएगा c1 - d1 x1 बराबर c2 - d2, सॉरी प्लस x2 प्लस इसी तरह चलते हुए cn - dn xn इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x1, ये 0 के कब होगा, जब c1 बराबर d1 हो, C2 बराबर D2 हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने अलग अलग लेके चले थे वो सेम ही हो जाते हैं, यानी कि ये जो है वो यूनिक होना चाहिए। ये हो गया। इन अदर वर्ड फॉर एक्स स्टार अबव देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अदर स्केलर t1 t2 t n सच दैट, कि अगर ये है हमारे पास तो इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बेसिकली ये हमारे पास नीचे सॉल्व भी करके दिखाया हुआ है, जो हमने सॉल्व किया था वही सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो अब यहां से हम देखते हैं कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन। तो बेसिकली लेट बी बराबर v1 .. vn बी द बेसिस फॉर बी, एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू बी द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स रिलेटेड टू द बेसिस बी आर द यूनिक स्केलर c1 c2 .. cn सच दैट, कि एक्स बराबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता हो, लिखा गया हो, यानी c1 c2 .. cn जो है ये यूनिक स्केलर्स होंगे। तो इन वेक्टर नोटेशन में द बी बीटा कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, द बीटा कोऑर्डिनेट्स यानी इस जो सेट के कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स विल बी डिनोटेड बाई, तो वो किस तरह से c1 c2 .. cn, यानी हर वेक्टर के लिए, ये एक्स वेक्टर के लिए c1 c2 .. cn अलग होंगे। तो ये जो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट जो है, ये स्केलर जो है वो कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। एंड वी विल कॉल एक्स बी द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स रिलेटिव टू बी, और इसको क्या कॉल करते हैं, द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स रिलेटिव टू बी, द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स रिलेटिव टू बी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं।
वन कैन वेरीफाई दैट बी बराबर वन वन माइनस वन वन इज द बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। पहले तो हमें चेक करना है कि ये जो है बेसिस ऑफ आर स्क्वायर है, एंड उसके बाद हमें करना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी बराबर थ्री वन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पहले हमें ये चेक करते हैं ये बेसिस बेसिक है या नहीं। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे हम, इसकी अगर हम जैसे अगर दो ही हैं तो हमारे पास सिंपली इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे वन वन माइनस वन वन, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, रैंक निकाल सकते हैं, किसी भी तरह चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं सिंपली डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, ये वन और ये प्लस वन इक्वल टू टू, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब इस इन वेक्टर्स का जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि सी वन बेसिकली सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू इक्वल टू जीरो चेक करते हैं। तो सी वन और सी टू ये हमारे पास यहाँ से रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास यहाँ से जो रिलेशन बनेगा उसके लिए मैट्रिक्स की इसी फॉर्म में लिख के हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो इस रैंक की जो इसकी जो रैंक आई है वो टू है, जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके। तो यहाँ पे हमारे पास इसका कोई भी रैंक जो है उसे एन क्रॉस एन के इक्वल है, तो यहाँ से हम कहेंगे जो ये है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो है बेसिक है, यानी कि बी जो है वो बेसिक क्रिएट करता है एक। ये हो गया हमारे पास। अब लेट बाय डेफिनेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू, ये हमारे पास यहाँ पे उन्होंने ये चेक किया है, इफ बी पुट पी बराबर बी वन बी टू एंड लेट बीटा बी बराबर सी वन सी टू। अगर हम पी बराबर बी वन बी टू पुट करते हैं और बीटा बी बराबर सी वन, देन वी नीड टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम। ये जो सिस्टम होगा इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। सॉल्विंग द लीनियर सिस्टम वन कैन फाइंड द सॉल्यूशन, बेसिकली जब सॉल्यूशन करेंगे तो वी बीटा, इसको जो सॉल्यूशन करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास हाँ फ्रेंड्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम जो सॉल्व करेंगे हम करेंगे सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू इक्वल टू, और ये हमारे पास बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट और बेसिक तो चेक कर लिया, अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो ये सी वन और सी टू को निकालना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी वन, और वी वन हो जाएगा हमारे पास वन वन प्लस सी टू, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन वन इक्वल टू थ्री एंड वन। तो यहाँ से हो गया हमारे पास सी वन प्लस माइनस सी टू इक्वल टू थ्री एंड वन। तो ये हो गया हमारे पास सी वन माइनस सी टू इक्वल टू थ्री, सी वन प्लस सी टू इक्वल टू वन। दोनों को ऐड कर दिया तो ऐड करने पे टू सी वन इक्वल टू आ गया हमारे पास फोर, यानी कि सी वन बराबर आ गया टू। सी वन बराबर है, जब टू आ गया हमारे पास तो यहाँ से वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से सी टू बराबर आ जाएगा माइनस वन। तो ये दोनों जो है कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, ये दोनों दो हैं दोनों कोऑर्डिनेट कहलाएंगे ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू बी, बेसिकली कोऑर्डिनेट कहलाएंगे ऑफ जो से वेक्टर है एक्स या बी विद रेस्पेक्ट टू बेसिस, जिस बेसिस के करस्पॉन्डिंग में ये कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं कि जनरली हमें अगर सी वन सी टू कोऑर्डिनेट निकालने हो तो किस तरह से निकालेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये था सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू प्लस डॉट डॉट सी एन वी एन इक्वल टू और सम वेक्टर वी। तो उस कंडीशन में हमारे पास इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, ये भी बेसिकली बी वन बी टू डॉट डॉट कुछ वेक्टर्स होंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन, और ये हो जाएगा हमारे पास सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन इक्वल टू सम वेक्टर वी। तो यहाँ से बेसिकली ये हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। तो सपोज इसको ले लिया हमने ए और इसको ले लिया हमने सी इक्वल टू वी, तो उस कंडीशन में सी बराबर ए इनवर्स वी। तो सी बराबर ए इनवर्स बी, यानी ए का इनवर्स निकालिए और वी से मल्टीप्लाई करिए तो सी बराबर आ जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है सी को निकालने की। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो उसके कुछ एग्जाम्पल और आगे की जो थ्योरम्स होंगी इम्पोर्टेंट्स वो हम देखेंगे।